So hey you guys, hello and welcome back to Toys Hunt. Look at the wonderful activities we have on display today. Sab tarike ki activities hain. Puzzles mil jayenge, wooden games mil jayenge, card games mil jayenge, wooden blocks mil jayenge. Again, jigsaw, cube, sab tarike ke puzzle mil jayenge, board games mil jayenge. And so can you look at it? Yes. So hey all you guys, hello and welcome back to Toys Hunt. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो टॉयज हंट में मैं सौम्या हर दिन आपके लिए, आपके छोटे छोटे से बच्चों के लिए अलग तरीके की एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ, जिसमें आपके बच्चे को खेलने के साथ साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है. अलग टॉयज़ लेके आती हूँ जो कि उनको कुछ वैल्यू इम्पार्ट करते हैं, मतलब उनको इंगेज तो रखते ही हैं और भी कुछ सिखाते ही रहते हैं. और इसी तरीके की मैं बहुत सारी आपके बच्चों के लिए चीज़ें सर्च कर करके, हंट कर करके लाती रहती हूँ. और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो. एंड मैं उम्मीद करती हूँ आज जितने भी मैं आज हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए, 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ लाई हूँ. और प्लीज़ अगर आपकी नज़र में कोई अपने बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे गेम्स, ऐसे टॉयज़ ढूंढ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए. सो यस, विद दैट आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो आज की वीडियो में मैं आपके आपके मतलब 2 से 3 साल के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लाई हूँ, और फिर 3 से 4 साल के लिए भी, 3 से 8 साल तक के लिए इनफैक्ट, और 4 से 12 साल तक के लिए, यानी कि 12 साल तक के बच्चों के लिए मेरे पास अलग तरीके के गेम्स और एक्टिविटीज़ हैं. जैसा आप डिस्प्ले में देख सकते हो, आपको कुछ वुडन गेम्स मिल जाएंगे, कुछ बोर्ड गेम्स मिल जाएंगे. बोर्ड गेम्स में ये जैसे लूडो वगैरह आ जाता है, रेस बोर्ड गेम्स अलग से बच्चों के लिए डिज़ाइन किए हुए, जो आपको कहीं और बहुत मुश्किल से मिलेगा. टॉयज हंट में आपके बच्चों के लिए अगर आप कुछ गेम्स एक्टिविटीज़ ढूंढ रहे हैं जिनसे उनको खेलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, तो यस, मैं आज वैसी ही एक्टिविटीज़ आप सबके लिए लाई हूँ. एंड उसी के साथ साथ आपको कुछ पज़ल गेम्स, जैसे आपको पता है हम लोग छोटे में पिक्चर पज़ल्स बनाते थे, उसी की तरीके से आपको क्यूब बेस्ड पज़ल्स मिल जाएंगे. 3D पज़ल में अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये होते हैं, आपको बनाना दिख सकता है ये वाला. एंड ये बने किससे हैं, क्यूब से बने हैं, तो बच्चे के लिए ईजी टू हैंडल एंड फन टू प्ले. एक पज़ल एक्टिविटी में 6 अलग अलग पिक्चर्स बन सकती हैं, 6 अलग अलग तरीके के फ्रूट्स बन सकते हैं. और देख सकते हो आप लोग कैसे आइडिया लगता है बच्चों को इन पज़ल्स के थ्रू, कि कौन सा क्या फ्रूट होता है, कैसे चीज़ों को अरेंज करना होता है, कैसे कोई पिक्चर का पैटर्न बनाना होता है. तो यस, ऐसी ही ये 2 से 3 साल के बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं. इनफैक्ट अगर पज़ल्स और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, थोड़े बड़े बच्चों के लिए चाहिए, तो वी हैव इस तरीके की, आपको दिख रहा है 6 क्यूब पज़ल्स हैं. तो कैन यू सी, 3D पज़ल्स हो जाती हैं. 3D पज़ल्स का फ़ायदा ये हो जाता है, आपको एक ही पज़ल सेट में आपको 6 अलग अलग पिक्चर्स मिल जाती हैं. और जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मैक्सिमम बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिपीटेबल होती हैं. अगर आपको कोई भी एक्टिविटी पसंद आती है तो आप मैसेज में मुझे मतलब कमेंट कर सकते हैं एंड डाल सकते हैं थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो. एंड उसके साथ ही चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं. मैं आपको सब बता दूंगी कहाँ से कौन सी एक्टिविटीज़ आई है. और इसके साथ चलो आज शुरू करते हैं. सबसे पहले 2 से 3 साल के बच्चों के लिए मेरे पास क्या है, तो 2 से 3 साल के बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारी स्टिकर बुक है. और ये स्टिकर बुक इस तरीके के एक बैग में आई है. स्टिकर बुक, ये जो एक्टिविटी 2 से 3 साल के बच्चों की है, कैन यू सी, ये स्मार्टो किड्स स्टिकर बुक एक्टिविटी है, यानी कि स्मार्टो किड्स इज द मैन्युफैक्चरर और द ब्रांड नेम. स्मार्टो किड्स की स्टिकर बुक एक्टिविटी, स्मार्टो किड्स के प्रोडक्ट्स 12 साल तक के बच्चों के लिए इसी तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कलर्स भी आ जाते हैं, क्राफ्ट्स भी आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की भी चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन टीजर्स भी आ जाते हैं. तो बहुत वैरायटी आपको मिल जाती है 12 साल तक के बच्चों के लिए. और सारी ही जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्मार्टो किड्स की, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन की जाती हैं. इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि बहुत ही क्यूरेट करके आपके बच्चों के लिए
एज अप्रोप्रिएट, यानी कि जिस एज का बच्चा है उसी एज के जो जो अप्रोप्रिएट गेम्स और एक्टिविटीज़, जिससे बच्चा, जो बच्चों को ज़्यादा टफ भी नहीं लगे, ज़्यादा ईजी भी नहीं लगे, वो बोर भी ना हो जाए, और उस एज में क्या उसे सीखना चाहिए, किस चीज़ के स्किल्स डेवलप करना है, तो उस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती है। तो चलो 2 से 3 साल के बच्चों की ये जो स्टिकर बुक एक्टिविटी है देख लेते हैं। स्टिकर बुक एक्टिविटी से मालूम पड़ता है जिसे बुक्स में शायद स्टिकर लगाने होंगे, लेट अस सी क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले बैग के अंदर मुझे एक मैनुअल मिल जाता है। मैनुअल में मेंशन किया होता है कि इसमें इंक्लूडेड आइटम्स क्या है। तो इस बैग में आई हैव गॉट दिस एक्टिविटी बुक, एक एक्टिविटी बुक मिलती है, यस, अच्छी हैवी सी कलर पेज की, फोटो पेज की, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, इस तरीके की एक्टिविटी बुक मिलती है। इट हैज़ गॉट इनफ सफिशियंट पेजेस, एंड उसी के साथ स्टिकर शीट्स मिलती हैं। लेट मी चेक स्टिकर शीट्स, यस, देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इसमें मुझे कुछ नेचर के ऑब्जेक्ट्स दिख जा रहे हैं, इसमें मुझे हाउस होल्ड फर्नीचर्स दिख जा रहा है, हियर मुझे जो भी स्काई में चीज़ें मिलती हैं वो मिल जा रही हैं, इधर अलग तरीके के फ्लावर्स मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके के कई सारे स्टिकर्स मुझे मिल जाते हैं, और एक स्टिकर बुक मिलती है, और इसमें करना क्या होता है। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट टू अदर पीपल, जो भी बच्चों के लिए या तो कुछ गिफ्ट आइटम्स देख रहे हैं 12 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट आइटम जैसा एक चीज़ हो जाता है अगर आप एक्टिविटीज़ आजकल गिफ्ट करते हैं, बहुत ही मतलब किड फ्रेंडली रहती हैं, कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है। सो यस, इसमें क्या करना होता है, ओपन द एक्टिविटी बुक एंड फाइंड करेक्ट स्टिकर शीट। तो बच्चे को ये एक्टिविटी बुक आपको लेके बैठाना है, उसे 2 से 3 साल के बच्चों को, और जो कॉन्टेक्स्ट आएगा पेज बाय पेज, कैन यू सी ग्रास लेंस दिया है, उसमें कुछ ब्लॉक्स छोड़ दिए स्टिकर्स के लिए, जहाँ स्टिकर्स आपको सुटेबल स्टिकर्स आपके बच्चे को प्लेस करना होता है, पेस्ट करना होता है, ऐसे करके अलग अलग, जैसे ये वॉशरूम दिख रहा है, एंड देन आपको ये यूनिवर्स दिख रहा है, इधर आपको गार्डन सा दिख रहा है कुछ, कैन यू फाइंड, ये भी एक लैंडस्केप सा हो गया, वेयर रेनबो इज देयर, इस तरीके के बहुत सारे शीट्स आपको एक बुक में मिल जाएंगे। तो और उसके साथ ही, जैसे मैं बताऊं, अगर मैं एग्जांपल लूं कि यहाँ पे मुझे एक लिविंग रूम दिख रहा है, उसमें क्या क्या फर्नीचर प्लेस करना है, तो आई विल गो सेलेक्ट द शीट, कौन सी शीट उसमें आएगी, आई चेक दैट आउट, अभी चेयर निकाली थी कहीं, ओके, बच्चे को सिंपल इजी टू यूज स्टिकर्स है, यहाँ से निकाल के यहाँ जगह पे प्लेस करना होता है। इस एक्टिविटी को करते टाइम बच्चों में कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं, तो वो ये सारी स्किल्स, ये जो एक्टिविटी बैग, जिस तरीके के एक्टिविटी बैग में आती है, उसमें फ्रंट में ही सारे स्किल्स जो बच्चे को इस एक्टिविटी करते टाइम पे उसमें डेवलप होते हैं, सारे स्किल्स दिए जाते हैं, जैसे फाइन मोटर, सेंसरी, कोऑर्डिनेशन, इमेजिनेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, फेमिलियरिटी, देख सकते हो फेमिलियरिटी कैसे उसको आइडिया लगता है, ये सारे ही इन चीज़ों से फेमिलियर होता है, एक तो वो खुद अपने आसपास देखता है और फिर वो उसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स को प्लेस करता है इन अ फेमिलियर से बैकग्राउंड जो वो देखता रहता है, तो यस, उससे फेमिलियरिटी उसके अंदर आती है। इसी तरीके से उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे, जैसे समझो ये इधर, ओके, यहाँ ट्री प्लेस पेस्ट करना है, तो यहाँ से ट्री निकाल के वो इसी वाइट स्पेस पे पेस्ट करेगा, तो इस तरीके से उसमें कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी, सारे ही बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का नाम फिर से मैं बता दूँ, इट इज़ स्टिकर बुक। ये स्मार्टो किड्स से आपको कैसे मिल सकती है वो भी मैं, चलो मैं आपको बता देती हूँ। आप कैन यू सी दिस व्हाट्सएप नंबर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाके ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8799576722, और एक मैं व्हाट्सएप लिंक दे दूंगी या तो कमेंट्स में आपके ईज के लिए, तो आपको बस ये एक्टिविटी का नाम मैसेज कर देना है एंड यू विल गेट इट डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप। और ये सारे ही जो स्मार्टो किड्स के एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने ये एक बैग में दिखाया, इस तरीके के कई सारे इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ उनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे।
जो कि आप चाहे तो अपने बच्चे के लिए, चाहे तो गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए, चाहे तो रिटर्न गिफ्ट की तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर ये सारी ही चीज़ें, एक्टिविटीज़ आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी. वेबसाइट इज़ गिवन राइट हियर, www.smartokids.com. तो इंडिविजुअल भी मिल जाएंगी, उसके साथ आपको इस तरीके के कॉम्बो पैक में भी मिल जाएंगी. कॉम्बो पैक कैन यू सी, 3-in-1 कॉम्बो पैक. 3-in-1 कॉम्बो पैक में बेसिकली तीन अलग अलग तरीके की एक्टिविटी, जिसमें ये एज ग्रुप भी मेंशन किया गया होता है. तो आप अपने बच्चे अगर 2 साल का है तो 2+ ईयर्स, 3, 4, 5, 6 अप टू 12 ईयर्स अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी. अगर आप ये कॉम्बो लेते हैं तो इसमें आपको एक बॉक्स में 3 एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं. तो एक तरीके से बढ़िया ये रिटर्न गिफ्ट या गिफ्टिंग आइटम बन जाता है. सो इट इज़ एन अमेजिंग एंड द बेस्ट सेलिंग गिफ्ट दैट यू कैन गिव. स्मार्टो किड्स इज़ द टॉप मोस्ट गिफ्टेड ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू टॉयज एंड गेम्स कैटेगरीज. जब भी टॉयज एंड गेम्स कैटेगरीज में आते हो तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड आइटम्स. तो पेरेंट्स प्रेफर दिस टू इधर कीप इट एज रिटर्न गिफ्ट और गिफ्टिंग पर्पजेज के लिए. सो येस, इस तरीके का बॉक्स आता है. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉन्टेंट रहता है, बहुत ही अफोर्डेबल रहता है, बहुत रीजनेबल प्राइस रहता है, और बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट जैसे मैंने बताया वैसा रहता है. तो यस, उनको इंगेज रखता है, बहुत ही फ्रूटफुल सा इंगेजमेंट होता है, क्योंकि उसको खेलने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और वो इन चीज़ों के लिए इनमें इंगेज रहता है, तो एक्टिव रहता है एंड एक्साइटेड रहते हैं. तो यस, स्मार्टो किड्स अगर आपने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया तो यू कैन गो चेक आउट देयर वेबसाइट. और उसी के साथ चलो मैं दूसरी एक्टिविटी पे आती हूँ. दूसरी जो एक्टिविटी है वो होने वाली है दिस हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक ये 3 से 8 साल के बबच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है. 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी एज ग्रुप के बच्चे ये खेल सकते हैं. एंड ये ऐसे हाइड एंड सीक, कैन यू सी, इसमें मेंशन किया गया ये एक रिपीटेबल एक्टिविटी है. रिपीटेबल एक्टिविटी बेसिकली आप बार बार उन्हें रिपीट कर सकते हो, मतलब लॉन्ग रन के लिए आपके पास ये एक्टिविटीज़ रहती हैं. सो अगर आप एक बार अपने पैसे डालते हो इसमें या पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि वो यूज़ एंड थ्रो हो जाता है. यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग, क्योंकि क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है. जो मैं अभी आपके सामने, कैन यू सी दिस वाइट बैग, वाइट थोड़ा पैकेजिंग आपको नॉर्मल लग सकता है, बट देन कॉन्टेंट इज़ वॉट यू शुड लुक फॉर. बिकॉज मैंने बहुत सारे अगर जो रिव्यूज़ किए हैं दूसरे भी बॉक्सेस के, तो मुझे ना ये देखा कि कई बार बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हैवी और अच्छा बना देते हैं, पर कॉन्टेंट उसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने जितना पे किया उसके हिसाब से मिल रहा है. बट यू राइट हियर सी इन फ्रंट ऑफ दैट, आपको एक मैनुअल मिल जा रहा है. हाइड एंड सीक एक्टिविटी 3 से 8 साल के बच्चों की एक्टिविटी है. इसमें इंक्लूडेड आइटम्स में एक गेम बोर्ड मिल जाएगा, 4 वुडन पीसेस, चैलेंज कार्ड्स. अच्छा, वुडन पीसेस से मुझे याद आया, दिस मैंने इनमें कोई भी अभी तक के प्लास्टिक के प्रोडक्ट नहीं देखे. दे हैव, ये बहुत ही अच्छा थॉट है कि उन्होंने वुड यूज़ किया है. वेर एवर पॉसिबल उन्होंने प्लास्टिक को रिप्लेस करके वुड यूज़ किया है, प्लास्टिक को रिप्लेस करके क्लॉथ बैग यूज़ किया है. सो दिस इज़ रियली नाइस इनिशिएटिव जो मैं कहूँगी. इसी तरीके से जो ये अब हाइड एंड सीक एक्टिविटी है उसमें एक इस तरीके का गेम बोर्ड मिलता है, जिसमें मैं अलग अलग तरीके के एनिमल्स देख सकती हूँ अगर आप देख पा रहे हो तो. और फिर मुझे कुछ चैलेंज कार्ड्स मिलते हैं. चैलेंज कार्ड्स कैन यू सी इस तरीके से हैं, चैलेंजेस, एंड आई गेस इसमें नहीं तो बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं, 24-25 अराउंड होंगे. तो इसमें अलग, जैसे चैलेंज 3 है उसमें अलग अलग एनिमल्स दिए हुए हैं, से 2 cats एंड 1 monkey एंड 1 lion. करना क्या होता है, यू ऑल्सो गेट दीज वुडन पीसेज. कितने ग्लिटरी शाइनी से वुडन पीसेज हैं, वेन किड्स के लिए अट्रैक्टिव से दिखते हैं तो दे ऑटोमेटिकली आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज एक्टिविटीज़. वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का उनका मन करता है. तो यस, जैसे इसका खेलते कैसे, ऐसे इसमें चार कोई आपको कोई भी चैलेंज में 4 एनिमल्स दिए जाएंगे एट अ टाइम. और आपको ये वुडन बोर्ड गेम परमानेंट ही रखना है. इसमें जितने एनिमल्स हैं वही सारे इन कार्ड्स में एनिमल्स होते हैं, इन चैलेंज कार्ड्स में वही 4 एनिमल्स कोई ना कोई होते हैं. और आपको वुडन जो पीसेज हैं ब्लॉक्स, उनकी मदद से
एट अ टाइम जो भी डिस्प्लेड चैलेंज कार्ड्स में एनिमल्स हैं उनको डिस्प्ले करना होता है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्लेड. आप देख सकते हो मैं पहले चैलेंज आपके लिए एक सॉल्व कर देती हूँ. इसमें आपको दो कैट, एक लायन और एक मंकी दिख रहा होगा. इसमें अब मुझे इन वुडन पीस की हेल्प से दो कैट, कैन आई फाइंड, हाँ कैट मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, एक लायन और एक मंकी. तो चलो एक कैट मुझे यहाँ पे कवर करके ही चलनी है और लायन मंकी तो हैं ही, मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं. इसको चार वुडन पीस की हेल्प से देखती हूँ कौन सा फिट बैठेगा. तो दो कैट में मेरे को कैट्स तो यानी कि डिस्प्ले करना ही है एट एनी टाइम. तो कैट और लायन हो गया और उसमें भी अगर डिस्प्ले करना है तो आई विल मे बी यूज़ दिस. लुक एट हाउ वंडरफुल द गेम इज. This is, can you see? Wooden card was placed किया and you can find a lion here. एक cat यहाँ पर है और उसके साथ ही आपको एक monkey मिल जाएगा और फिर एक cat मिल जाएगी. इस तरीके से ये challenge solve हो जाता है. And अगर थोड़ा दिक्कतें आती भी हैं तो they have given solution at the back of the चैलेंज कार्ड. आपको चैलेंज कार्ड के पीछे सॉल्यूशन मिल जाता है. पर कितना प्यारा गेम है, कितना इन्जॉय करेंगे बच्चे, कितना उनमें मतलब ब्रेन टीजर टाइप का मुझे लगा, थोड़ा सोचने वाला गेम है, विच इज़ अगेन अ वंडरफुल थिंग कि अगर आप अपने 3 से 8 साल के बच्चों को ऐसे गेम्स से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और अपने फ़ोन और टीवी से दूर रख के इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इंगेज कर रहे हैं तो उनका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है. तो यस, बहुत ही प्यारी सी, सिंपल, सोबर यट बहुत ही क्लास एक्टिविटी आई शुड से मुझे लगी है. मिनिमल ऑब्जेक्ट से पर स्टिल ब्रेन का पूरा यूज़ होगा. तो दिस वॉज अ नाइस एक्टिविटी, वेरी रियली नाइस फॉर किड्स 3 to 8 ईयर्स ओल्ड. तो इसमें भी कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं, तो उनमें रीजनिंग आती है. येस, रीजनिंग इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगी. अटेंशन डेवलप होता है, मेमोरी स्किल्स बढ़ती हैं, कम्युनिकेशन, कल्चर, फेमिलियरिटी. ओके, बहुत बहुत बढ़िया चीज़, बहुत ही बढ़िया गेम. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लग रहा है. तो चलो इस गेम को मैं फोल्ड कर देती हूँ. उसके साथ ही मैं आपको एक जो यहाँ पे सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो लगता है, द बेस्ट सेलिंग आइटम ऑफ देयर्स, तो आई शैल वेरी सून आपके सामने मुझे वो दिखाना चाहिए, आई थिंक सो. तो यस, दिस इज द बॉक्स. कैन यू सी दिस बॉक्स? दिस इज एन 11-in-1 कॉम्बो पैक. आपको मिनी एक्टिविटी सेट मैंने अभी दिखाया था जिसमें 3 एक्टिविटीज निकल जाती हैं. इंडिविजुअल आपको बैग्स दिखाया जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाता है. पर सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला बॉक्स, फॉर अ गुड रीज़न, क्योंकि ये बहुत सुपर सेवर है, दिस इज़ दर 11-in-1 कॉम्बो पैक प्ले एंड एन एक्टिविटी बॉक्स. आपको यहाँ दिख जाएगा एग्जाम्पल, ये 3 से 4 साल के बच्चों के लिए. इस 11-in-1 कॉम्बो में आपको जो मैंने एक्टिविटीज़ दिखाई हैं, एक एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई, अगर मिनी बॉक्स लेते उसमें 3 एक्टिविटी आ जाती हैं, विच इज़ अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर परफेक्ट थिंग फॉर रिटर्न गिफ्ट अगर आप चूज करना चाहते हो. एंड दिस बॉक्स इज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर एनी किड दैट यू वॉन्ट एज अ गिफ्ट, और अगर आपको गिफ्ट की तरह से किसी किड को देना है तो, और अदरवाइज अगर आपको खुद के बच्चों को देना है तो येस, दिस इज एन अमेजिंग गिफ्ट ऑप्शन. तो 11-in-1 कॉम्बो पैक में क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ. 11-in-1 कॉम्बो पैक में आपको ऐसी जो एक एक्टिविटी दिखाई, इस तरीके की 7 अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं. उसके साथ में आपको एक स्टोरी बुक मिल जाती है. आर यू लुकिंग एट द स्टोरी बुक? बच्चों को जैसी पसंद होती है पिक्चर बेस्ड स्टोरीज, दे लव इट. कलरफुल, कैन यू लुक एट द कलर्स? और उसके साथ ही बहुत ही रिलेटेबल से कैरेक्टर्स इसमें दिए होते हैं. इसमें ये सब जो ओस्वाल्ड और ये छीनो मिनो नहीं करके, दे हैव जो हम स्टोरीज देखते थे, सुनते थे एट आर ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड. देखो फार्मर एंड सो येस, वेरी रिलेटेबल और बहुत इंडियन सा उन्होंने ये फील रखा है. इट इज़ एन इंडियन ब्रांड, अ होम ग्रोन कंपनी डूइंग रियली वेल बिकॉज पेरेंट्स हैव रियली सजेस्टेड इट एंड रिकमेंडेड इट. आप अगर इनकी वेबसाइट पर जाओगे या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फर्स्ट ट्राई,
सब जगह दे ऑलमोस्ट आर हैव देयर शॉप्स अवेलेबल, तो आपको कहीं भी मार्केट प्लेस या ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, फर्स्ट क्राई, इनफैक्ट इवन देयर वेबसाइट, तो आपको सभी जगह मिल जाएगा. सभी जगह आपको ना रिव्यूज़ पढ़ने मिल जाएंगे जो पेरेंट्स ने खुद लिख के दिया एंड दे हैव, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि हाउ मच हैव दे लव्ड देयर प्रोडक्ट एंड हाउ मच आर दे सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फॉर देयर किड आफ्टर परचेजिंग दीज एक्टिविटी बॉक्सेस. तो यस, आपको एक स्टोरी बुक मिल जाती है, सात अलग अलग एक्टिविटी मिल जाती हैं एंड उसके अलावा आपको एक बहुत ही बढ़िया सी वर्कशीट भी मिल जाती है, 30 दिन की वर्कशीट. 30 अलग अलग वर्कशीट्स हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ उसमें, जैसे कभी आपको मिलेगा स्पॉट द डिफरेंस, जो छोटे में हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे. ये 3 से 8 साल वाली एज ही ऐसी होती है, 12 साल तक की एज ऐसी होती है कि किड्स रियली फाइंड दीज एक्टिविटीज़ ग्रेट. उन्हें इन पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें पढ़ाई से कुछ हटके कुछ रिफ्रेशमेंट सा मिल जाता है इसके थ्रू. एंड कैसे देख सकते हो, ऑड वन आउट, ये कलरफुल भी है, पिक्चर्स भी हैं. तो यस, फाइंड द वे आउट. जो अपन को कईयों बार पहले तो बस स्टोरीज में अपन मैगजीन्स खरीदते थे, चंपक नंदन या उसी में मिलती थी, इस टाइप की में मिलती थी. यस, दे हैव गॉट दिस अमेजिंग अमेजिंग टास्क इन देयर वर्कशीट्स. ऐसे करके एक दो नहीं, पूरा 30, यानी कि पूरे महीने का आपको एक तरीके से कोटा मिल जाता है. तो पूरे महीने आपका बच्चा इस टाइप की कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में या फिर वर्कशीट्स में इंगेज रहता है कंटिन्यूसली. वो स्कूल्स में भी या तो स्कूल के बाहर भी या अदर देन स्कूल भी, बहुत ही अच्छा एक तरीके से ये कॉम्बो पैक हो जाता है. इसके अलावा इसमें एक चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रैकर और चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर और एक इंगेजमेंट ट्रैकर में निकलता है. इंगेजमेंट ट्रैकर इस टाइप का कुछ होता है जिसमें एक्टिविटीज़ के हिसाब से पूरे 30 दिन का एक रूटीन टाइप का शेड्यूल टाइप का आपके लिए पेरेंट्स के लिए बनाया होता है, वेर इन दे कैन टिक मार्क कि हम लोगों ने ये एक्टिविटी बच्चे के साथ परफॉर्म की और उससे क्या सीखा या फिर क्या. तो यू कैन रियली शो इट, इसमें टिक करके एक अपने पास एक ट्रैकर रख सकते हैं एक तरीके से. दे कैन ट्रैक हाउ इज देयर चाइल्ड एंगेज विद देम एंड इन दीज एक्टिविटीज, कैसे एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रहा है. इसमें एक और सेक्शन आ जाता है कि बेड टाइम स्टोरीज एंड ऑल्सो कि एक्टिविटीज़ के साथ साथ, जैसे मान लो अगर माय प्लांट्स एक्टिविटी करके है तो इज ही वाटरिंग द प्लांट्स डेली, तो इस ये सब चीज़ों की सब कुछ के लिए एक एंगेजमेंट ट्रैकर उन्होंने बना के दिया होता है. यू जस्ट हैव टू जस्ट ट्रैक एंड टिक एंड ट्रैक द डेवलपमेंट. सो बहुत ही अच्छी चीज़ ये भी हो जाती है. इसके बाद एक होता है स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर. स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस एज में 12 साल तक की एज में बच्चा बहुत कुछ सीखता है. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो जो बोला जाता है ऐसा कि 5 साल की एज में ही अपने ब्रेन का जो स्पीड से डेवलपमेंट होता है वो स्पीड फिर कभी नहीं आती है. तो यस, टू इंश्योर के मैक्सिमम से मैक्सिमम स्किल्स उसके चाइल्डहुड में ही उसे मिल जाएं, ये एक स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर दिया होता है. जो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको इन बॉक्सेस में मिलती हैं, तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी वर्क्स ऑन सम काइंड ऑफ स्किल. जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा लैंग्वेज लिटरेसी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरीके के ऐसे करके 17 या 18 स्किल्स होती हैं. जैसे प्री रीडिंग हो गया या फिर फाइन मोटर हो गया, तो उसमें अलग तरीके से क्लाउड्स बने के दिए हैं एक्टिविटीज़ के हिसाब से. क्लाउड कैन नरेट द इंटायर स्टोरीज. तो यस, अगर वो आप उसे स्टोरी बुक पढ़ा रहे हो तो एक स्किल जब उसमें धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी तो अब क्या वो पूरी स्टोरी सुना पा रहा है, आप उस क्लाउड को टिक कर सकते हो. तो यू नो कि उसकी प्री रीडिंग, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्शन प्ले स्किल्स ये जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, शार्पन हो रहे हैं. तो यस, एक स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर आपको इस तरीके का दिया जाता है. तो दिस इज़ ऑल यू गेट इन दिस हैवी बॉक्स एंड दिस बॉक्स जस्ट रिटेल्स फॉर आई गेस 649 ऑन देयर वेबसाइट. वेबसाइट पे आपको ये 649 का मिल जाता है. अमेजोन और फ्लिपकार्ट और फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल होगा. थोड़ा शायद इससे महंगा होगा क्योंकि जब मैंने सर्च किया था तो द बेस्ट प्राइस वॉज एट देयर वेबसाइट. और बाकी सभी जगह मिल ही जाएगा. तो अच्छा, इसका नाम है, दिस इज़ द 11-in-1 कॉम्बो पैक. दिस इज़ द बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट ऑफ देम. तो ये वाला जो है
11 इन वन कॉम्बो, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको 650 में 7 अलग एक्टिविटीज, स्टोरी बुक्स या वर्कशीट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एवरी पेरेंट टेंड्स टू लाइक ग्रैब दिस। और इतना ही नहीं है, पूरे 30 दिन का कोटा नहीं, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ साथ में, जो एक्टिविटीज़ कई सारी रिपीटेबल होती हैं, तो आप लाइफ लॉन्ग उन्हें अपने पास रख सकते हो। और रिपीटेबल के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज़ मल्टीप्लेयर होती हैं, तो एक के एक बच्चा अकेला नहीं, उसके साथ कई सारे बच्चे भी खेल सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो आपको पार्टी पर्पजेज़ के लिए मिल जाएगी, बच्चों की पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की, बच्चों का हाउजी, बच्चों का मतलब तंबोला, कार्ड्स, एवरीथिंग। दे हैव अ वैरायटी ऑफ गेम्स, बोर्ड गेम्स सारे, और पजल गेम्स बहुत सारे, कार्ड गेम्स, सब तरीके के गेम्स आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ वॉट यू गेट इन दिस टाइप ऑफ बॉक्स। सो वेर यू हैव टू सर्च फॉर इट इज़ www.smartogids.com। और उसके साथ ही इफ़ यू वॉन्ट टू नोट डाउन दिस व्हाट्सएप नंबर, यू कैन 8799576722। इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ में, जो गेम्स बता रहे हैं, कैन यू सी द पजल्स, इस तरीके की भी, इसमें अलग अलग चैलेंजेस दिए होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट लव्ड एक एक्टिविटी रही है। कितना देखो पोर्टेबल भी है, कितना ईजी टू कैरी, एंड येट चैलेंजिंग से इसमें कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं विच किड्स डेफिनेटली इन्जॉय। इसी के साथ अब चलो आ जाते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे पर, क्योंकि मैंने 2 से 3 साल के बच्चों के लिए आपको एक स्टिकर बुक दिखाई बहुत प्यारी सी। 3 से 8 साल के बच्चों के लिए मैंने ये व्हाट वाज दिस हाइड एंड सीक, बहुत प्यारी सी एक एक्टिविटी दिखाई, हाइड एंड सीक। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास 12 साल तक के बच्चों के लिए, 4 से 12 साल तक के बच्चों के लिए क्या है। तो आई हैव ब्रॉट दिस गेम स्मार्टो स्पाई, इट इज़ अ रिपीटेबल एक्टिविटी, एंड जो स्किल्स डेवलप होती यू कैन सी। चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो बैग में आपको एक मैनुअल मिलेगी, मैनुअल में क्या क्या चीज़ दिया, 4 गेम बोर्ड हैं और 55 कार्ड्स हैं विद सिंबल्स। उसके बाद इन्होंने गेम को खेलने का तरीका दिया हुआ है कि गेम 1 गेम 2 दो तरीकों से ये गेम खेला जा सकता है। तो ये गेम बोर्ड्स मुझे मिल जा रहे हैं, 1 2 3 4, ओके ग्रेट, इनफैक्ट 4 से ज़्यादा 8 ही हो गए, पर यस, क्योंकि आगे पीछे दोनों साइड हैं। एंड देन मुझे ये कार्ड्स मिल जाते हैं। इस गेम को खेलना कैसे होता है, दो तरीके हैं। एक तरीका चलो मैं आपको बताती हूँ, 2 से लेकर 4 प्लेयर्स एक साथ इस गेम को खेल सकते हैं। तो यस, मल्टीप्लेयर गेम है, पार्टीज़ के लिए बहुत सुटेबल है। नहीं तो अगर आप घूमने जा रहे हो 3-4 बच्चे हैं या फिर, तो यस बहुत ही अच्छा गेम है। तो ये कार्ड्स बीच में रख देते हैं, 4 प्लेयर्स हैं तो वी डिस्ट्रीब्यूट द बोर्ड, 1 बोर्ड टू ईच स्टूडेंट, ईच किड, आई एम सॉरी। और अगर 2 प्लेयर हैं तो 2 बोर्ड्स, तो यस। उसके बाद हर एक टर्न पे एक कार्ड आपको फ्लिप करना होगा, और उस कार्ड में जो भी, जैसे अगर 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं, कोई भी अपना कोई ऑब्जेक्ट उससे मैच करा ले, लाइक कोई भी जो सबसे पहले 4 प्लेयर्स में सबसे पहले, जैसे इफ़ आई एम एबल टू फाइंड आई फाउंड अ कार कॉमन, मतलब कोई भी एक चीज़ कॉमन होगी हर कार्ड में, तो यस मैंने अगर कार कॉमन फाइंड करी है, कैन यू सी दिस, एंड हियर इज दिस कार, तो जो भी सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है या स्पाई करता है, यू गॉट दिस स्मार्टो स्पाई गेम का नाम है, तो सबसे पहले जो भी स्पाई करता है तो यस उसको ये कार्ड मिल जाता है। ऐसे ही करके टर्न बाय टर्न नहीं, एक्चुअली फ्लिप सब एक साथ ही करते हैं, और उसमें जो भी ले लेता है, जिसके में भी निकलता है, तो कार्ड उसको चले जाता है। एट द एंड ऑफ द डे जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स होते हैं इज़ द विनर। इसका एक दूसरा तरीका भी है, तो दूसरे तरीके में आपको नेसेसरीली ये नहीं करना है, आपको गेम्स जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपको इकट्ठा उठाता जाना है, जो जो भी मैच कर पा रहा है विल कलेक्ट द कार्ड, साइमल्टेनियसली ये चलता रहेगा, टर्न के लिए वेट नहीं करेंगे, और जिनसे मिल जाता है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड हो जाते हैं तो ही और शी विंस द गेम। तो दिस इज़ हाउ दिस गेम इज़ प्लेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है, किड्स विल डेफिनेटली लव इट, बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनकी इम्प्रूव होती हैं, स्पीड आती है, और चलो देखती हूँ क्या क्या आता है इसमें, कोऑर्डिनेशन, लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, कल्चर, सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, ऑल दीज स्किल्स, इन स्किल्स पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त आपका बच्चा इन सारी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा होता है।
तो यस ये आज की हमारी एक्टिविटी थी 4 से 12 साल के बच्चों के लिए। आई होप आपको आज की एक्टिविटीज़ पसंद आई, एंड ऑल्सो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद आई, या फिर आपको जो भी डिस्प्ले पे एक्टिविटीज़ जो भी दिख रही हैं, यू कैन गो चेक देम आउट एट www.smartokids.com। अमेजिंग अमेजिंग वेराइटी ऑफ गेम्स। मैं तो मात्र 3 गेम इनके अभी मैंने आपको खोलकर बताए हैं, बट देन दे हैव सो मैनी वंडरफुल गेम्स। और मैं एक और बात बताना भूल गई, यस ये जो बॉक्सेस आपको आते हैं फॉर 30 डेज के लिए तो दे आर फाइन, ग्रेट, इनफैक्ट 45-70 डेज सब दिन चल जाएंगे, बिकॉज इट इज़ गॉट रिपीटेबल एक्टिविटीज़। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, अगर आपको बुक्स हर साल अपने बच्चे हर महीने अपने बच्चों को डिलीवर करना होता है, तो फिर दे हैव गॉट अ सब्सक्रिप्शन सर्विस टू। आपको 3 महीने का, यानी कि 3 महीने के अलग अलग बॉक्सेस डिलीवर हो जाएंगे विद ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज़ हर अलग अलग एज ग्रुप के लिए। दे हैव, या तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, जिसमें हर महीने आपको मतलब हर महीने के एक बॉक्स आता जाएगा 6 महीनों के लिए, एंड ऑल्सो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 12 बॉक्सेस डिलीवर होते जाएंगे हर महीने पे। तो यस दिस इज हाउ, उनका सब्सक्रिप्शन भी इज द बेस्ट सेलर्स, बिकॉज पेरेंट्स फिर एकदम निश्चिंत होके दे जस्ट टेंड टू बाय, क्योंकि सब बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ रहती हैं, एंड उनको एक टास्क मिल जाता है बच्चों के साथ। यस बहुत ही अच्छे से उनको 12 साल तक के बच्चों के लिए आई एंकरेज कि यू गो, आप उन्हें एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस कराओ। डू नॉट कीप देम लिमिटेड टू क्लास, क्लास तक ही लिमिटेड मत रखो। इनफैक्ट आप उनको ये गेम्स के और टॉयज के तरीके से यू अगर आप उन्हें सिखा सकते हो तो इट इज़ ग्रेट, क्योंकि ऐसे बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो यस, अगर आपने अभी तक कोई एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कराई हैं अपने बच्चों को, तो प्लीज़ हरी अप, अभी यू शुड चेक आउट। 12 साल के बाद ठीक है, पर 12 साल के पहले प्लीज़ इंट्रोड्यूस हिम टू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग गेम्स, जिससे वो स्कूल के अलावा भी उसको पढ़ाई जिससे फन लगने लगे और लर्निंग उसे इजी लगने लगे और अच्छी लगने लगे। तो टू डेवलप ये उसको इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए यू कैन गो विद दीज एक्टिविटीज़, क्योंकि खेल खेल में बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है। तो टॉयज एंड में ये आज मैं लेकर आई थी आपके 12 साल तक के बच्चों के लिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो वी हैव, अगर आपके कोई भी जो अभी तक मैंने एक्टिविटीज़ आपको डिस्प्ले की हैं, या फिर कोई भी टॉयज गेम्स जितने भी हंट किए हैं, तो यू कैन, अगर आपने मिस कर दिए, यू कैन ऑलवेज फाइंड देम इन द लास्ट वीडियोज। ऑल्सो वी हैव अ यूट्यूब चैनल, टॉयज एंड नाम से ही एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको पुरानी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अगर आपको उसमें आपको जो जो गेम्स हैं उनकी लिंक्स भी मिल जाएंगी ईजिली, जिससे आप खरीद सकते हो वो। एंड दिस इज़ हाउ मैं आपके लिए टॉयज एंड में गेम्स लाती हूँ आपके बच्चों के लिए। तो यस विद दैट आई विल लाइक टू एंड द वीडियो टुडे। सो या बाय बाय, आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द कॉन्टेंट इफ यू रियली लाइक द कॉन्टेंट। सो यस, बाय।